गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. सो ले फर्स्ट गेट टू द टर्म अबाउट द वाटर और अबाउट द एसिड एंड बेसिस. बिफोर दैट फर्स्ट वी शुड नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बच्चों वो सारी चीज़ें जो हमें विच वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड विच वी गेट फ्रॉम द मिनरल्स एंड रॉक्स आर टर्म्ड एज इनऑर्गेनिक. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. एसिड, वॉट आर एसिड? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड इट इज़ ए टर्म विच इज़ ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स एसिडस. एसिडस का मतलब होता है सॉर टेस्ट, मीन्स स्वाद में खट्टा. एंड दे हैव एटलीस्ट वन और मोर हाइड्रोजन एटम इन देयर फॉर्मूला. एग्जाम्पल ऑर्गेनिक में देखें हम, सो वी यूज सो मैनी थिंग्स इन अवर डेली लाइफ विच आर एसिडिक इन नेचर, लाइक लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, टेमरिन जूस, विनेगर एक्सेट्रा. इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा. ओके नाउ व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड दे आर जनरली सोपी इन टच, यानी अगर बेस को हम टच करें तो वो सोप के जैसा फील करता है. जनरली है वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर. जब हम इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो व्हाट दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन. एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ऑर्गेनिक वी कैन मेक एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी थिंग, लाइक एक्सट्रैक्ट ऑफ कुकुम्बर, नीम एक्सट्रैक्ट ऑफ नीम और एक्सट्रैक्ट ऑफ विटर गार्ड एंड देन वी कैन टेस्ट दैम. ओके कि विच वन इज बेस और विच वन इज एसिड. सो फॉर दिस वी मस्ट नीड अ इंडिकेटर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एसिड एंड बेसिस. सो वॉट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर में ऑल्सो भी नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स. ओके सो वॉट आर इंडिकेटर? इंडिकेटर्स दे आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली इंडिकेटर्स. एंड इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. हाउ? इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम फर्स्ट एंड सेकेंड इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम एंड सच काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. मीन्स ऐसे इंडिकेटर जब हम उनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में लगाते हैं तब उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है. इट डिपेंड्स ऑन इन विच मीडियम दे आर प्रेजेंट. ओके नाउ डिफरेंट कलर्स, फर्स्ट टॉक अबाउट द इंडिकेटर दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. अगेन दे कैन बी कैटेगराइज इन टू नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सो फर्स्ट इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिक मीडियम्स, वो इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं. द वेल नोन एग्जाम्पल इज द लिटमस इंडिकेटर. सो वी नो डैट लिटमस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, इफ यू प्रिपेयर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन देन अगर ये एसिडिक मीडियम में होगा देन इट विल टर्न इन टू रेड. ओके अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है या हम ब्लू लिटमस स्ट्रिप लें, स्ट्रिप्स आती हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लें देन इट विल टर्न, इफ इट इज एसिडिक इन एसिडिक मीडियम देन इट टर्न्स इन टू रेड कलर. ऑन दिस अदर हैंड इफ इट इज इन बेसिक मीडियम दैट इज द रेड लिटमस सॉल्यूशन, इफ वी पुट इन बेसिक मीडियम देन इट विल टर्न इन टू ब्लू कलर. ओके सो लिटमस इंडिकेटर टर्न्स रेड व्हेन इट इज इन एसिडिक मीडियम एंड इट टर्न्स इन ब्लू व्हेन इट इज इन बेसिक मीडियम. ओके अंडरस्टूड? नाउ देर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक सैंपल. सैंपल मीन्स द सैंपल विच वी आर विच वी वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज ए एसिडिक और वेदर इट इज ए बेसिक. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन. फर्स्ट द सैंपल इज द विनेगर, इट टर्न्स इन टू रेड. ओके इन रेड लिटमस नो इफेक्ट
orange juice, again red, raw mango juice, red tamarind, red. On the other hand, bitter gourd, neem extract, cucumber, so they will turn blue. Okay, what they turn red litmus solution into blue color, blue. Okay, now synthetic indicator. What do you mean by synthetic indicator? Means compounds which are manufactured in the industry or prepared in the lab. Most common are phenolphthalein and methyl orange. If the indicator is the phenolphthalein, in neutral solution it is colorless, and it is, if it is in acidic medium, again it is colorless, but when it is in the basic medium, then it turns into pink. Means फिनोप्थेलिन एक तरह का इंडिकेटर है जो हमको बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. अगर एसिड, अगर हम फिनोप्थेलिन को डालें किसी अननोन सॉल्यूशन में, अगर वो पिंक कलर का हो जाता है, दैट मीन्स दैट थिंग इज बेसिक इन नेचर. ओके, और अगर कलरलेस रहता है, दैट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर. मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज ही रहेगा, उसका बेसिक कलर ये रहता है, बट एसिडिक मीडियम में ये कैसा हो जाता है, इट टर्न्स इनटू रेड, और बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, ये येलो हो जाता है. ओके, नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें रहती हैं घर में जिनका अलग ही मीन्स स्मेल आने लगती है. जैसे हम एक एग्जांपल लें, अनियन आप सभी लोगों ने खाया होगा, कच्चा भी और जो हम ग्रेवी के साथ खाते हैं, पर आप बहुत से लोग उसमें लेमन को जूस डाल के खाते हैं, और कभी होटल या रेस्टोरेंट में जाओ तो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे अनियंस रहते हैं उसको विनेगर में पोर करके रखा जाता है, डिप करके रखा जाता है. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जो उसका एक पर्टिकुलर सा पंजेंस है, जो स्मेल रहता है ना, वो जो ऑर्डर रहता है वो कैसा रहेगा किसी मीडियम में. ओके, सो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या करना है कि एक, अगर हम इफ वी क्रश अनियन एंड द जूस ऑफ द अनियन, इफ वी डिप टू स्ट्रिप ऑफ क्लोर्स इन दैट अनियन जूस, फिर उसको अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ें और उसका हम टेस्ट लगाते हैं, मीन्स इन केस ए एंड इन केस बी, द फर्स्ट स्ट्रिप, फर्स्ट ऑनियन स्ट्रिप. ऑनियन स्ट्रिप मीन्स ये कपड़े की एक स्ट्रिप है या कागज़ की भी हो सकती है. बेटा कागज की होगी तो वो गल जाएगी. सो अगर हम एक कपड़े की कुछ स्ट्रिप लें, तो अगर हम उस स्ट्रिप में HCl डालें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डालें, ऑन द अदर हम सेकेंड स्ट्रिप में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल दें, सो वॉट वी विल ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व डैट अनियंस have a characteristic smell in the acidic medium which is completely destroyed in the basic medium. Understood? मतलब अगर basic medium में हम onion को, onion के juice को रखते हैं या test लगाते हैं, तो क्या होता है, acidic medium में तो उसकी smell, जो characteristic smell है वो रहती है, वहीं basic medium में जो उसकी जो order रहता है वो totally destroy हो जाता है. ओके, सेम अगर हम वेनिला एसेंस आप सभी लोग जानते होंगे केक बनाने में, कई सारे स्वीट कन्फेक्शनरी में ये यूज होता है. ओके, इन टेस्ट ट्यूब वील टेक वेनिला एसेंस एंड इन अदर टेस्ट ट्यूब योर सेम वेनिला एसेंस. नाउ वी आर पोरिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब. वी आर पोरिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो वॉट वी ऑब्जर्व डेट इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब it retain its smell, but in second case it loses its smell. okay, मतलब vanilla essence को अगर हम acidic medium में रखते हैं, test लगाते हैं उसका, तो उसकी acidic medium में उसकी जो smell, particular एक sweet सी जो smell रहती है वो retain रहती है. वहीं ये देखा गया है कि अगर हम उसको basic में medium में अगर उसका test लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, उसकी जो smell होती है वो लूज कर देती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी स्मेल. ओके, सो सच काइंड ऑफ इंडिकेटर विच हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ
एसिड जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपने क्या क्या देखा, सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, खाने में ये कैसे होते हैं, स्वाद इनका कैसा होता है, खट्टा होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है या ब्लू लिटमस स्ट्रिप है तो वो इट टर्न्स इनटू रेड। टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड एंड अनदर प्रॉपर्टी इज दी कोरोसिव इन नेचर, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। कोरोजन हम उसमें पढ़ चुके हैं इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था केमिस्ट्री का। कोरोसिव इन नेचर व्हाट डज इट मीन, मीन्स दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लोथ्स ऑन विच दे फॉल। जब भी केमिस्ट्री लैब में हम टेस्ट वगैरह लगाते हैं, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो एक एप्रॉन पहना जाता है, जो प्रिकॉशन लेने चाहिए हम वो करके करते हैं, बट एसिडिक और इतने एसिड जो रहते हैं कोरोसिव रहते हैं कि अगर हाथ में थोड़ा सा भी टच हो जाता है तो हमको कैसा फील होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, और कपड़ों पे भी अगर ये गिर जाता है तो उसमें छोटे छोटे से होल हो जाते हैं, और कुछ तो इतने हाईली कोरोसिव होते हैं कि जे सडनली कैचेस फायर। ओके अंडरस्टैंड, नाउ रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके हाउ दे रिएक्ट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल लाइक जिंक मैग्नीशियम विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एसिड प्लस मेटल व्हाट दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक इफ यू टेस्टेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाट दे प्रोड्यूस सॉल्ट जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसको आप अपनी बुक में देख सकते हैं, 2.3 एक्टिविटी में दिया है। बच्चों एक्टिविटी यहाँ पे मैं कवर नहीं कर रही हूँ, यू कैन ग्रो थ्रू इट इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ द सेकेंड वन इज द रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ एसिड दे गिव टू मीन्स दे प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके एग्जाम्पल मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड व्हाट दे प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मैंने जिसका जो मेटल है उसी से रिलेटेड उसका सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे, व्हेन वी रिएक्टेड विद HCl व्हाट इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड वाटर एंड रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड व्हाट दे प्रोड्यूस अगेन करस्पॉन्डिंग सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके और जो यहाँ पे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रही है, अगर हम इसको पास करवाते हैं लाइम वाटर में, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके अगर इसी चीज को हम इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर मिल्कीनेस डिसअपीयर एंड द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल कैल्शियम बाय कार्बोनेट, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके ये आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके कि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं सो क्या होगा लाइम वाटर का, ठीक है, सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, व्हाई टर्न्स मिल्की, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो जाती है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल कैल्शियम बाय कार्बोनेट। ओके नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी एक्टिविटी सारी दी हुई है, आप बच्चों एक्टिविटी को टेक्स्ट बुक में जो दी है वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर हम एसिड का वाटर में एसिड को हम वाटर में डालें तो उसका जो सॉल्यूशन है इट विल एक्वायर द कैपेसिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। ओके नाउ रिएक्शन विथ
बेस, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, इस रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस व्हाट इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर लाइक HCl plus NaOH produce NaCl and water and such kind, this kind of reaction is known as the neutralization reaction. Okay. Now reaction with metallic oxide. Metallic oxide से जब ये react करते हैं they form salt and water. Metal oxide plus acid, what they form? They form salt and water. Like कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज द HCl, व्हाट इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। थस इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड शोज दैट मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। ओके, मोर अबाउट एसिड, एसिड के बारे में थोड़ा सा और जाने कि सम नेचुरली अकेयरिंग एसिड हमने ये पहले ही पढ़ लिया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक विच वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड और द सिंथेटिक एसिड विच वी प्रिपेयर इन इंडस्ट्री और इन लैब। हैंडलिंग एसिडिक फूड स्टफ इन द हाउस होल्ड, बच्चों आपने कई बार देखा होगा घर में कि बड़े लोग जो होते हैं बोलते हैं कि ये खट्टी चीज़ है इसको इसमें नहीं बनाना है, ये खट्टी चीज़ है ये ऐसा हो जाएगा। और आपने भी कई बार घर में नोट किया होगा कि कई बार कुछ खट्टा किसी बर्तन, पर्टिकुलर बर्तन में या किसी मेटल के बर्तन में लग जाता है तो उसका कुछ अलग ही मीन्स अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। व्हाई इज इट सो, बिकॉज जैसे कुछ बर्तन जो होते हैं दे रिएक्ट टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड्स। ओके, सपोज कोई एक वैसल है मेटल का है, जैसे कि अगर इन ट्रेडिशनल किचन्स में हम देखें सो कॉपर और ब्रास वैसल्स आर यूज इवन टुडे आल्सो। इफ कर्ड या योगर्ट और अदर सॉर्ट सब्सटेंस विच आर एसिडिक इन नेचर आर कैप्ट इन दीज वैसल दे रिएक्ट टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड एंड विल मेक द फूड स्टफ अनफिट फॉर कंजप्शन। ओके, समझ में आया कि अगर हम कुछ मेटल्स में अगर एसिड वाला खाना बनाए या स्टोर करके रखें देन एसिड विल रिएक्ट विद दैट पर्टिकुलर मेटल एंड व्हाट विल इट प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस सम टॉक्सिक कंपाउंड एंड इट इज़ नॉट हेल्दी टू कंज्यूम इट और टू कंज्यूम सच काइंड ऑफ फूड विच हैज़ बीन केप्ट इन सच काइंड ऑफ वैसल, सो अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ एसिड्स इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस, अभी जो हमने पढ़ा वो अलग था, अब हम इन एसिड को जानेंगे कि हाइड्रोजन आइंस के टर्म्स में एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आइंस इन द सॉल्यूशन। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन आयन है बच्चों ये कैसे फॉर्म, कैसे सॉल्यूशन में रहता, ये एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। हाइड्रोनियम आयन मीन्स इट विल रिएक्ट विद वाटर, इट कंबाइंस विद वाटर, हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन आयन विल कंबाइन विद वाटर एंड इट विल प्रोड्यूस एंड दिस इज द हाइड्रोनियम आयन एंड दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा ना कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे ही करते हैं। ओके, ठीक है। नाउ कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि एसिड को पानी में मिलाना चाहिए या पानी को एसिड में मिलाना चाहिए। सो डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इट इज़ एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट आर ऑल अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे एक बीकर है और इसमें ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पोरिंग एसिड इनटू इट, सॉरी वी आर पोरिंग वाटर इनटू इट, हियर इट इज इन एसिड, एसिड है और एसिड में हम पानी को मिला रहे हैं, ठीक है, इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, वाटर इज ऑलरेडी इन द बीकर एंड व्हाट वी आर पोरिंग, वी आर एडिंग एसिड बाय स्टिरिंग इट्स स्लोली
ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड से हिलाते हुए हम इसमें एसिड को ऐड कर रहे हैं. सो विच मेथड इज राइट? दिस मेथड इज करेक्ट मेथड एंड दिस वन इज रॉन्ग मेथड. सो ऑलवेज ऑलवेज ऐड एसिड इन टू वाटर, नॉट वी शुड नॉट ऐड वाटर इन टू एसिड. ओके. और कई बार बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एसिडिटी हो जाती है. हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में कि हमारे स्टफ में भी स्मॉल अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होता है. कई बार बच्चों देखा गया है कि कुछ स्पाइसी, इफ वी ईट स्पाइसी फूड सो कुछ एंटासिड दिए जाते हैं. तो ऐसा क्यों दिए, क्यों किया जाता है? जस्ट फॉर द न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन से क्या होगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है. जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, या आपको बोला जाता है कि आप थोड़ा सा सोडा या इनो वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं. सिंस हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई एंटा एसिड वगैरह दिया जाता है. सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. इफ़ यू वॉन्ट अंडरस्टैंड एनी थिंग और एनी टॉपिक, प्लीज़ व्हाट्सएप और माई पर्सनल नंबर. गुड बाय.